92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ। नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो बिग टॉकीज। हमारे स्टूडियो में आज है दो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति। पहली है स्वरा भास्कर, जिसको हमने एड्स में देखा है और फिल्मों में देखा है, और दूसरी एक छोटी सी लड़की। क्या नाम है बच्चे आपका? तो चलें हम अपने ही अंदाज में बता देते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल। तो झूठा गुस्सा, सच्ची मुस्कान, मासूम दिल, कूल दिमाग, दोस्तों पर विश्वास और अपनों की जान, यही है हमारी यानी रिया शुक्ला की पहचान। और रिया शुक्ला इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है? शायद ये गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है। हाँ, मेरे सर पे चढ़ा के रखते हैं, इसलिए चल जाती है। मैंने ना आपकी ये फिल्म की एड भी देखी जो थिएटर में दिखाई जाती है स्वरा जी, जी। और कितनी खूबसूरत एड है, एंड यू आर एब्सोल्युटली मार्वेलस इन द एड। थैंक यू मैम। एक्चुअली बहुत नीलबटे सन्नाटा का जब हम लोग सोच रहे थे कि कैसे लोगों तक पहुंचाएं, तो जो जिस चीज को शोल्डर कंटेंट कहते हैं, आई थिंक कॉर्पोरेट लैंग्वेज में सपोर्टिंग कंटेंट जो होता है, तो हमने सोचा कि उसको भी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारी फिल्म की सबसे खास बात यह है कि वो एक बहुत ही रिफ्रेशिंग फिल्म है। आई थिंक दैट आप जब देखेंगे इसे, आपको भी लगेगा कि कुछ बहुत फ्रेश है इसमें जी। जो रिस्पॉन्स इस फिल्म को मिला है, मतलब हर चीज को, चाहे वो पोस्टर था, ट्रेलर था, ये या यही मोबाइल कंटेंट था, इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि अब हमको एक्चुअली डर लगने लगा है कि यू नो, बिकॉज जब इतना पॉजिटिव और सकारात्मक रिस्पॉन्स आता है आगे से, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है डिलीवर करने की जी। तो अब मुझे डर लग रहा है कि ओ माय गॉड, यू नो कभी कभी होता है कि प्रोमो के बाद फिल्म लोगों को लेट डाउन लगती है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हो जाती हैं, लेकिन आई थिंक उम्मीद हमारी है कि हमारी फिल्म बहुत एक अनप्रिटेंशियस फिल्म है। हमने कोई झूठे दावे नहीं किए इस फिल्म में। सिंपल कहानी है, एक बहुत सहज कहानी है, एक सीमित दायरे में सीमित लोगों की सीमित जिंदगियों की कहानी है, लेकिन उसी छोटी सी दुनिया में आई थिंक हम कुछ इतनी यूनिवर्सल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि, और इतने मज़ेदार ढंग से बात कर रहे हैं, क्योंकि बचपन हाँ। एक बहुत ही मज़ेदार आलम होता है। हर फिल्म में कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है। नील बटे सन्नाटा में माँ बेटी के रिश्ते की कहानी है, और इस अनमोल रिश्ते के बारे में ऐसी क्या खास बात थी, जानेंगे रिया शुक्ला से। नील बटे सन्नाटा एक माँ बेटी की कहानी है, क्यों ये रिश्ता खास है, चलिए बात करते हैं स्वरा भास्कर और रिया शुक्ला से अपनी ऑन स्क्रीन जोड़ी के बारे में। ये फिल्म के बहुत सारे संदेश है मेरे हिसाब से। हाँ। जी। पढ़ाई को लेकर तो है ही, लड़की को लेकर भी है, और शायद छोटे शहर के बारे में भी है जी। और क्या है बताओ आप? इसमें है कि जो हम लोग असलियत में अपने माँ पापा के साथ रहते हैं जैसे हैं, तो सेम ऐसा ही है यहाँ पे। इसमें कोई मिलावट नहीं है, यहाँ पर ड्रामा पूरा फुल नहीं है बेचारी टाइप का कि यहाँ पे अबला नारी है कोई और ऐसा कुछ नहीं। नहीं, आपका मतलब क्या है कि असलियत में जो होता है? असलियत हाँ, जिंदगी देख ली असलियत इतना नहीं, अभी तो इतने बड़े नहीं है हाँ, बट असलियत में ये कि हम लोग जिस तरह से अपनी मम्मा के साथ घर में रहते हैं, बिहेव करते हैं, वो रियल है इसमें। अच्छा, मुझे बताओ कि जो असलियत में मम्मा है हाँ, और जो स्वरा मम्मा है फिल्म में हाँ, उन दोनों में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। पहली बात तो ये कि हमारी जो रियल मम्मा है वो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और ये वाली मम्मा थोड़ी नॉर्मल थी, लल्ली मिटिया टाइप्स वाली। शी इज लाइक अ फ्रेंड। या, शी इज लाइक अ फ्रेंड, एंड यू आर जस्ट फ्रीकिंग विद हर। बट हाँ, रियल लाइफ में इतना फ्रेंडली हम पापा से हैं अपने, और मम्मा से अकबर और सलीम वाला रिश्ता है। मतलब सीधे मुगले आजम, सीधे एकदम हाँ। बट हाँ, जो भी है वो बहुत ही ज्यादा मानती हैं, जब हम घर पे नहीं रहते हैं तो कुछ ज्यादा ही मिस करती हैं, और बार बार कॉल करके हमें परेशान करने लगती हैं। जब डायरेक्टर ने स्वरा भास्कर को स्क्रिप्ट भेजी, तब क्यों दुविधा में पड़ गई स्वरा, और क्यों स्वरा ने स्क्रिप्ट में इनिशियली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया? अब तक स्वरा भास्कर ने बड़े बैनर्स के साथ या छोटी फिल्मों में प्रोमिनेंट रोल्स किए थे, मगर शी वॉज नेवर द प्रोटैगनिस्ट। नील बट्टे सन्नाटा में ऐसी क्या खास बात थी जो स्वरा के लिए एक चैलेंज बन गई? इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में स्वरा को जो खुशी मिली उसे शेयर किया है उन्होंने
अपने अनोखे अंदाज में। स्वरा आप का मैंने कुछ इंटरव्यू या नेट पे कुछ पढ़ा था जहाँ पे आपने कहा कि जब मुकेश छाबरिया जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो आपके दोस्त है जी, और जब आपने को उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई तो आपने सोचा कि शायद आपका बेटी का रोल हो और बाद में पता चला बट ये दुविधा थी कि माँ का रोल इतनी छोटी उम्र में करना चाहिए। एक्चुअली मुकेश ने जब मुझे फोन किया उन्होंने मुझे बिल्कुल कुछ नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ कहा कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, अश्विनी से मिलो, अश्विनी बड़ी अच्छी डायरेक्टर बनेगी, मतलब अश्विनी फीमेल डेब्यू फीमेल डायरेक्टर है। तो जब अश्विनी से मिली उन्होंने कहा कि माँ बेटी कहानी और बेटी दसवीं में, माँ नौकरानी का रोल मतलब बाई का रोल है, तो मुझे लगा बेटी का, मैं आई फील वेरी प्राउड, अरे वाह आई एम स्टिल लुकिंग 15 इयर्स ओल्ड, सो आई फील वेरी हैप्पी। एंड देन आई सेड ओके टू द 15 ईयर ओल्ड डॉटर, शी सेड नो 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 योर्स इज अ मदर्स रोल। सो इन माय माइंड आई वाज लाइक व्हाट एम आई लुकिंग लाइक एन आंटी रोल, हां क्या मतलब मैं आंटी लग रही हूं इनको, मतलब ये कैसी औरत है, ये थोड़ी पागल हो गई है वो। तो उसके बाद सडनली मेरी मीटिंग बहुत कोल्ड टाइप की हो गई, फॉर्मल, ओके यस थैंक यू सो मच, ये वो आई रीड द स्क्रिप्ट, ये वो। एंड आई वेंट बैक एंड मैंने एक्चुअली बड़ी गलत नीयत से स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं इस मंशा से स्क्रिप्ट पढ़ रही थी कि मैं मना कर दूंगी इस फिल्म को। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे लगा अरे यार ये तो बहुत ही समहाउ नीलबटे सन्नाटा की स्क्रिप्ट पढ़कर ही मुझे लग रहा था कि ये फिल्म जितनी अभी है ये इससे बेहतर होगी परफॉर्मेंसेस के साथ, एंड मेरा वो अंदेशा सही आया। मैंने जब बट डेफिनेटली दुविधा थी क्योंकि मैम आई रियली बिलीव कि आपको अपने से कम उम्र का रोल करना आसान होता है क्योंकि लाइफ का वो एक्सपीरियंस आपको याद है, बट इवन अगर मुझे आज बच्चा हो जाए, अभी आज मुझे 15 साल तक नहीं पता होगा कि एक टीनेजर की माँ का क्या अनुभव होता है, सो दैट इज एज एन एक्टर दैट इज कम्प्लीटली अननोन टेरिटरी। सो आई थॉट दैट दिस इज अ चैलेंज आई मस्ट टेक अप, एंड नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस लाइक अगेन एंड अगेन कि मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि अश्विनी ने मुझे ये फिल्म ऑफर की, तो आई थिंक कुछ अच्छा ही था मेरा नसीब, मेरा अच्छा डिसीजन उस मोमेंट, मेरा यू नो तारे सही जगह पे थे कि आई एग्री टू डू द रोल, इट केम टू मी एंड इट ऑल वर्क्ड आउट लाइक इट डिड। इस फिल्म में वो कौन से दो एक्टर्स हैं जिनके परफॉर्मेंस ने स्वरा और रिया को बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया? हर रिश्ते में कोई ना कोई तनाव जरूर आता है और हर रिश्ते में बहुत सारी मिठास भी होती है। ये दोनों रिश्तों के बारे में स्वरा भास्कर हमें खुद बताएगी। ये जो आपकी फिल्म है जी, वो रिश्तों पर भी बहुत ज्यादा फोकस करती है, रिया का रिश्ता आपके साथ जी, आपका रिश्ता इसके साथ, इस रिश्ते में जो जो तनाव आते हैं और प्लस आपका रिश्ता रत्ना के साथ जी जी जी, वो बहुत ही खूबसूरत एक वो तो नजर आता है ट्रेलर में ही, ब्यूटीफुल जी। एंड आई थिंक रत्ना मैम से बेहतर कोई हो नहीं सकता था वो रोल प्ले करने के लिए, क्योंकि यू नो सिंपल फिल्मों जो फिल्में जो कहानियां सहज हैं और जो सिंपल हैं, जो छोटी छोटी कहानियां होती हैं उनमें ना बहुत आई फील कि रिस्क होता है कि ओवर स्वीट लगने का, यू नो जब चाशनी जो कहते हैं, रत्ना मैम ने इतने मैटर ऑफ फैक्टली प्ले किया है क्योंकि वो सीजन्ड एक्ट्रेस है, ऑब्वियसली शी इज अ फिनोमिनल एक्ट्रेस एंड शी ऑल्सो हर पर्सनैलिटी हैज अ सर्टन अथॉरिटी टू इट ऑल्सो जी, इट्स अ वेरी मेजर्ड या तो दैट हैज कम आउट सो ब्यूटिफुली इन द फिल्म कि इट हैज जस्ट टेम्पर्ड, आपको कहीं पे फिल्म ज्यादा मीठी नहीं लगेगी मैम, बिल्कुल नहीं, जबकि बहुत सिंपल फिल्म है और उसमें कोई खास ऐसा कोई अननेसेसरी ड्रामा भी नहीं है जी। एंड पंकज त्रिपाठी भी एक बहुत ही बेहतरीन किरदार में, वो फैसिनेटिंग एक्टर हैं, उन्होंने हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का रोल किया है, अगेन इतना उन्होंने अपने कैरेक्टर को इतने ब्यूटीफुली रचा है लेकिन आपको कहीं से भी कैरिकेचरिश नहीं लगेगा जी, जबकि वो बहुत ही फनी तरीके से प्ले किया है। सबसे ज्यादा हम लोग अगर सीन्स में हंसे हैं उनके और कंट्रोल नहीं कर पाए हैं तो इन द शूट्स मैम, इन द शूट्स समटाइम्स वी हैड टू कॉल कट क्योंकि हम लोग सब इतना हंस रहे थे उनके ऊपर, तो हमें शॉट एंड अश्विनी वुड बी लाइक अश्विनी हंस रही है यार प्लीज मत करो यार ऐसे मत करो यार कैसे शूट करेंगे लाइक दैट। नील बटे सनाटा फिल्म के बाद क्या है रिया शुक्ला का फ्यूचर प्लान्स? रिया शुक्ला छोटी जरूर है लेकिन चुलबुले नेचर होने के बावजूद भी उनकी बातों में बहुत ज्यादा मैच्योरिटी है, साथ ही में रिया में एक ऐसी कला है जिसके बारे में हमको हाल ही में पता चला है जो हमारे शो में रिया खुद शेयर करेगी। मैं ये पूछना चाहती थी बेटा तुम्हें हाँ? कि ये फिल्म तो तुमने कर ली जी, फिल्म अभी रिलीज हो गई हाँ? तो अभी तो नॉर्मल जिंदगी है, स्वरा मैम तो एक्टर है हाँ? और वो तो आगे जाएगी हाँ? बच्चों के रोल्स तो इतने रोज तो तुमको नहीं मिलेंगे हाँ? तो अभी तुमको क्या लगता है तुम नॉर्मल जिंदगी में जाके खुश हो जाओगे?
बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारी माँ ने हमको और हमारे पापा ने हमको सिखाया है कि हम बच्चों को पानी की तरह होना चाहिए, जिस बर्तन में ढाला जाए उसका आकार ले लो। कि अगर आपको ऊंचा उठना है, ऊंचा दिखना है, तो आप उस लेवल की तरह बनो। और फिर आपको अगर नॉर्मल जिंदगी जीनी है तो जैसे आप थे वहां पर आप वापस आओ, क्योंकि वही मेन चीज है जिसने आपको ऊपर पहुंचाया था, ना कि आप जहां ऊपर थे और ऊपर ही चलते चले गए, तो ये चीज नहीं थी। जमीन से जुड़े रहना हमारी खासियत है और हम वही करेंगे। ये दोनों में से आपके माँ और बाप में से इतने ज्यादा चटपटे है कौन जो इसके आपके कूट कूट के पूरी जी देखिए हमारे ना माँ ऐसी हैं और ना ही हमारे पापा ऐसे हैं। हमारे दादाजी ऐसे थे, सिंगिंग से हमारे यहाँ का पुराना रिश्ता है। हमारे जो दादाजी थे वो ठुमरी गाते थे। मैम बहुत अच्छा गाती है। तो आप कोई गीत गा के सुनाइए और स्वरा मैम भी ज्वाइन होगी उसमें, एक दो लाइन ऐसे गुनगुना दो कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। क्या बात है। और आप देखना अब इंडस्ट्री वालों के आपके साथ उठने बैठने के कैसे रिश्ते बदलते हैं बदल जाते हैं। और तुमको जाना है बच्चे वापस स्कूल वगैरह, मगर जब कभी भी बच्चों के लिए एक अच्छा रोल होगा तब सबसे पहले तुम्हें याद किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक और नई कहानी और कुछ नए किरदार को लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। सी यू नेक्स्ट वीक सून।